क्लॉक नंबर टू ऑल ऑफ यू माई सेल्फ विवेक यादव। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, इसको हम BOD कहते हैं। तो ये BOD क्या है? BOD ऑक्सीजन का वो अमाउंट जो एक लीटर वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करने के लिए, बैक्टीरिया द्वारा ऑक्सीडाइज करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसको हम BOD कहते हैं, है ना। यानी कि एक लीटर वाटर लिया हमने, है ना, उसके लिए जो ऑर्गेनिक मैटर है, एक लीटर वाटर में जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको बैक्टीरिया से ऑक्सीडाइज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, है ना, यानी कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज टोटल ऑर्गेनिक मैटर बाई बैक्टीरिया इन 1 लीटर ऑफ वाटर। एक लीटर वाटर में जितना ऑर्गेनिक मैटर है इसको बैक्टीरिया के द्वारा, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीडाइज करने के लिए। ऑक्सीडाइज कौन सा बैक्टीरिया यूज करेंगे ऑक्सीडेशन के लिए, पहले तो ये पता होना चाहिए हमको। एरोबिक बैक्टीरिया यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया यूज करेंगे, है ना, उसको हम बोलेंगे BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। BOD को मेजर कैसे करेंगे, जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वाटर में, जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसके बेस पर हम इसको मेजर करेंगे। अगर ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है ना, ग्रेटर द BOD ऑफ द बेस्ट वाटर मोर इट्स पोलिटिंग पोटेंशियल, मतलब जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी उसकी BOD ज़्यादा होगी, समझ रहे बात को। यानी जितना बेस्ट मटेरियल ज़्यादा है उतनी ही उसकी BOD ज़्यादा होगी, उतना ही उसका पोलिटिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा, है ना। तो ये तो थी आपकी BOD। इसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आपका बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में क्या होता है भाई, बायोगैस प्लांट के लिए हम क्या करते हैं कि ये काउ डंग से बायोगैस को प्रोड्यूस करना होता है। काउ डंग से बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, देखो इसको हम एक हम टैंक लेते हैं, एक टैंक लेंगे हम, एक पिट बनाएंगे। इस पिट में हम क्या करेंगे, काउडंग और वाटर को मिला लेंगे। किसको मिलाएंगे, काउडंग और वाटर, काउडंग वाटर का एक मिक्सचर तैयार करेंगे इस पिट के अंदर, है ना। ये क्या है आपका, ये बायोगैस प्लांट है, बायो गैस प्लांट पढ़ रहे हैं, ठीक है। काउडंग और वाटर को हम इसमें मिक्स करेंगे, सही से घोल बना लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जमीन में एक 10 से 15 फीट का पिट बनाएंगे, गड्ढा खोदेंगे। कितना होगा ये, 10 से 15 फीट यानी कि 10 to 15 feet, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने मिक्सचर बनाया है इसको हम इसमें टैंक में ले जाएंगे, जो आपने जमीन में टैंक बनाया है उसमें हम टैंक, ये जमीन है, ठीक है, जमीन के अंदर जो टैंक है इसको हम, जो आपने मिक्सर बनाया है, जो मिक्सर को हम इसमें ले जाएंगे। इसमें क्या क्या है, काउडंग है और वाटर है, है ना। अब काउडंग के अंदर क्या है भैया, काउडंग के अंदर सेलुलोज है, है ना। काउडंग के अंदर क्या है, सेलुलोज है। और क्या है काउडंग में, और क्या पाया जाता है काउडंग में, पाया जाते हैं क्या, पाया जाता है काउडंग में, काउडंग में बेटा पाया जाता है एक बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं मेथेनोजेंस, है ना, या मेथेनोजेंस, मेथेनोजेंस बैक्टीरिया पाए जाते हैं भैया, है ना। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगे काउडंग के अंदर, और क्या होगा, सेलुलोज होगा, क्या होगा, सेलुलोज। तो ये बैक्टीरिया करेगा, वो क्या कर देगा, इस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देगा। अच्छा, और क्या करते हैं हम इस टैंक में, हम कुछ इस टाइप से टैंक में क्या करेंगे, हम कुछ इस टाइप से एक इसको कवर करते हैं ऐसे करके, है ना। और इसमें हम एक क्या कर देते हैं, पाइप लगा देते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, सप्लाई टू हाउसेस, हाउसेस में सप्लाई करने का काम करेगा। अब यहां पर हमने क्या किया भाई,
अब जो यहाँ पर सेलुलोज था, सेलुलोज को मेथेनियंस क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। मेथेनियंस जब सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगा तो वहाँ से गैस रिलीज होगी, कौन सी गैस रिलीज होगी, CH4, है ना, CH4 रिलीज होगी, CO2 रिलीज होगी, H2 रिलीज होगी। तो हम इसका यूज़ करेंगे किसमें, घरों में, हाउसेस में, खाना पकाने के लिए, है ना, फूड को कुक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एक ये इस तरीके का हम एक कैप बना लेते हैं, एक कवर बना लेते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, इस गैस को इसमें कलेक्ट कर लेंगे और इसमें हम पाइप लगा देंगे जो कि हाउसेस में सप्लाई करेगा, है ना। तो ये जो गैस बन रही है जस्ट जैसे अपनी LPG यूज़ करते हैं उसी तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, है ना। अब जो सिलरी बचा है यहाँ पे क्या बचा, जो सिलरी बचा इसको हम इकट्ठा कर लेंगे किसी टैंक में, जो सिलरी बचा आपका इसको इकट्ठा कर लेंगे भाई, गोबर मतलब काउडंग और गोबर भी बच कर सकते हैं, काउडंग का और बाटर का जो मिक्सचर बचा हुआ है ना, उसको हम एक सिलरी टैंक में इकट्ठा कर लेंगे। अब ये किस काम आएगा, ये भी हमारे काम आएगा। इसमें क्या करेंगे, इसका यूज़ हम करेंगे फील्ड्स में, ये हमारे पास फील्ड्स खेतों में इसका यूज़ हम करेंगे एज ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, है ना, ये हमारे पास खेत है ना, तो यहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, सिलरी का जो गोबर और वाटर का मिक्सचर है, जो काउडंग और वाटर का मिक्सचर है, उसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, क्रॉप फील्ड में, ये हमारे पास क्रॉप फील्ड है ना, ये हमारे पास क्रॉप फील्ड है, ये क्या है, क्रॉप फील्ड, तो क्रॉप फील्ड में हम इसका यूज़ करेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह। तो ये था हमारा बायोगैस प्लांट, जरा इसको हम पढ़ लेते हैं वापस चल के। देखिए, बायोगैस इज मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड हाइड्रोजन। ये बताया हमने कि क्या है, गैसेस का मिक्सचर है जिसमें CH4 होगी, CO2 होगी और H2 हाइड्रोजन गैस होगी। गैसेस प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी, इट इज यूज एज ए फ्यूल, इसको हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं, जैसे LPG यूज करते हैं घर में वैसे ही इसको यूज करते हैं, है ना। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट, जैसे हमने आपको बताया था कि एक हम पिट बना लेते हैं, इसमें हम इसको वाटर को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद इसको हम कहाँ ले जाते हैं, एक टैंक में ले जाते हैं जो 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा है आपके, कहाँ पर रिपीटिए, ज़मीन के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर एक हम बायो कलेक्टिंग कैप बना देते हैं और इससे हम कलेक्ट करके इसको घरों में सप्लाई करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए कंक्रीट टैंक इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड सिलरी ऑफ डंग इज फेड, ए फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द सिलरी, एक फ्लोटिंग कवर हमने सिलरी के ऊपर डाल दिया, है ना, सिलरी विच कीप्स ऑन राइजिंग एज अ गैस इज प्रोड्यूस इन द टैंक ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। माइक्रोबियल एक्टिविटी कौन कर रहा है, मिथेनोजेंस, कौन कर रहे हैं, मिथेनोजेंस कर रहे हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी कौन कर रहा है, मिथेनोजेंस, है ना, तो ये बैक्टीरिया है, माइक्रो बैक्टीरिया क्या है, मिथेनोजेंस है। द बायोगैस प्लांट हैज एन गैस आउटलेट विच कंप्लीटेड वो कलेक्टेड टू ए पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू हाउस, ये देखिए ये गैस पाइप लगा हुआ है जो क्या करेगा, हाउस इसमें सप्लाई करेगा। यूज सिलरी इज रिमूव्ड थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे यूज एज फर्टिलाइजर, जो सिलरी बचेगा उसको हम दूसरे उसमें एकत्र कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे और इसका यूज हम एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज करेंगे। द बायोगैस दस प्रोड्यूस इज यूज टू कुकिंग एंड लाइटनिंग, इसका हम कुकिंग के लिए और लाइटनिंग के लिए यूज करते हैं घरों में, ठीक है। तो ये तो था हमारा बायोगैस प्लांट, ठीक है। अब आएगा आपका बायोकेमिकल कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीज, इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है, कि हम कैसे ये बायो पेस्ट को या जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं जैसे हमारे लिए जो हानिकारक हैं उनको हम कैसे करेंगे। बायोकंट्रोल एजेंट क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, जैसे हमारे पेस्ट हैं, हम पेस्ट को मार करने के लिए हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या हो गए, बायोकंट्रोल एजेंट हो गए। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम पढ़ेंगे, ओके, थैंक यू।